या हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, जो भी किया है गांव के लोगों की भगवान से। और साथ तो हमारा है सर कि मैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी गुनाम हमारे विदाई में होगा, मैं कभी नहीं सोचा था। और ऐसा हम नहीं देखे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, मैं कभी भूल कर भी नहीं देखा हूँ सर। यही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कार्यक्रम एक शिक्षक मान शिक्षक का विदाई और इस तरह से हो, इसके लिए मैं सबको माफी देता हूँ सर। मैं क्या कहूँगा, इस गांव की जनता क्या है मैं आपसे बता दे रहा हूँ, कहूँ क्या कहूँ। लोग कहते हैं ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। हम यहाँ रोड करके देखे हैं कि हमारे छत पर टेबुल छूट जाता था, कुर्सी छूट जाता था, सुबह लोग उठा के देते थे कि फल यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ एक सुई का गायब नहीं हुआ है। मैरवा के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रखंड एवं आसपास के 5 दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनीता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इन शिक्षकों को विद्यालय के प्रभारी राजकुमार चौहान द्वारा 1 साल डायरी एवं कलम देकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना की गई। वहीं विनोद कुमार सिंह को आभूषण वस्त्र एवं अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। विनोद कुमार सिंह 94 वर्ष के शिक्षक थे, जिन्होंने 29.5 वर्षों तक नौकरी की। पिछले 2007 से वे उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुरा में प्रभारी थे। 31 जनवरी को वे विद्यालय प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्ति हुए। मैरवा के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रखंड एवं आसपास के 5 दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनीता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इन शिक्षकों को विद्यालय के प्रभारी राजकुमार चौहान द्वारा 1 साल डायरी एवं कलम देकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना की गई। वहीं विनोद कुमार सिंह को आभूषण वस्त्र एवं अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। विनोद कुमार सिंह 94 वर्ष के शिक्षक थे, जिन्होंने 29.5 वर्षों तक नौकरी की। पिछले 2007 से वे उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुरा में प्रभारी थे। 31 जनवरी को वे विद्यालय प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्ति हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह तथा संचालन ओम प्रकाश नारायण सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में रजनीश मिश्र, श्रीकांत सिंह, पूनम कुमारी, अरुंधति पांडे, जयप्रकाश यादव, ठाकुर प्रसाद यादव, जयचंद प्रसाद सहित सैकड़ों ग्रामीण एवं शिक्षक उपस्थित थे। या हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, जो भी किया है गांव के लोगों की भगवान से। और साथ तो हमारा है सर कि मैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी गुनाम हमारे विदाई में होगा, मैं कभी नहीं सोचा था। और ऐसा हम नहीं देखे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, मैं कभी भूल कर भी नहीं देखा हूँ सर। यही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कार्यक्रम एक शिक्षक मान शिक्षक का विदाई और इस तरह से हो, इसके लिए मैं सबको माफी देता हूँ सर। मैं क्या कहूँगा, इस गांव की जनता क्या है मैं आपसे बता दे रहा हूँ, कहूँ क्या कहूँ। लोग कहते हैं ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। हम यहाँ रोड करके देखे हैं कि हमारे छत पर टेबुल छूट जाता था, कुर्सी छूट जाता था, सुबह लोग उठा के देते थे कि फल यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ एक सुई का गायब नहीं हुआ है, ऐसे जो भी जो करे। और मैं यहाँ के जो हमारे बात हो रहे हैं प्रभारी इनसे, राजकुमार पाल से कहूंगा कि राज शर्मा बाबू, यहाँ के लोगों में कोई कमी नहीं है सर, आपके साथ हाथ मिला के चलने वाले हैं, ये पहचान लीजिए। यहाँ जो गांव है यहाँ एक नंबर गांव है, यहाँ की व्यवस्था जो है और यहाँ के लोग इतना सम्मानित करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत आज सेवानिवृत्ति विदाई के मेला में भाव विमल और काफी द्रवित हो गए हैं विनोद बाबू, लेकिन इनका कहना अच्छा सा सत्य है कि इस गांव से इनको बड़ा सहयोग मिला, अपने सहयोगियों से बड़ा सहयोग मिला। कभी इन्हें हम लोग अपने ग्रामीण, अपने बच्चे, अपने सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं का शिकायत करते हुए न देखा न सुना, यह एक मिसाल है, उदाहरण है।